नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में जेएमएम के प्रत्याशी उतारते ही कांग्रेस में खींचता नजर आ रहा था, और साथ ही साथ इसको लेकर के लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे, मगर उसी बीच कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास मिलने पहुँचे और लगभग 2 घंटे की वार्तालाप हुई है। आइए सुनते हैं कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का इस पूरे बैठक के बाद क्या कुछ कहना है। सर, एक मिनट अगर उतर जाए। बहुत अच्छी एक सौहार्द मुलाकात थी। ऑनरेबल हमारे जो सीएलपी नेता जी और हमारे पीसी के अध्यक्ष दोनों के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में आने वाले दिनों के सभी कार्यक्रमों के बारे में, जो बाई इलेक्शन हैं और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई, और बहुत जल्दी ही इसके बारे में कल फिर से मुलाकात होगी। राज्यसभा के बारे में जो आप लोग मीडिया में बोल रहे हैं नाराजगी, उसके बाद मैं कल बहुत स्पष्ट रूप से माननीय सोनिया जी की बैठक के बाद में मीडिया से भी मैंने रूबरू होकर कहा, आज सवेरे भी आपसे कहा कि राज्यसभा में बहुत स्पष्ट है कि सभी हमारी सबकी इच्छा थी कि सब लोग मिल के आपसी समझ बूझ के साथ में एक कॉमन कैंडिडेट को हम सामने प्रस्तावित करें। उसके चलते हुए देखिए, पार्टी की भी कुछ कंपल्शंस होते हैं, संख्या एक, दूसरा एक वो है, जेएमएम के पास में उनकी संख्या थी, कांग्रेस के पास में संख्या नहीं है, और स्वाभाविक है कि हमारा ये प्रपोजल था कि सब मिलकर एक कैंडिडेट को प्रस्तावित करें। तो जो भी, जिसके चलते हुए आज जेएमएम का कैंडिडेट का उन्हें नॉमिनेशन किया हुआ है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। नामांकन में नहीं है सर, कांग्रेस का कोई नहीं, नामांकन की बात तो उसकी नहीं थी, बिकॉज ये एक तौर पे ये बहुत क्लियर था, जैसे बताया था उन्होंने भी बताया कि बातचीत तो हमारी हुई है, लेकिन उन्होंने जेएमएम का एक कैंडिडेट जिसको हमने प्रस्तावित किया हुआ है, उसके चलते हुए बाकी जितने लोग थे, हमारी बैठक चल रही थी, बाकी तो किसी प्रकार का जुड़ाव नहीं है, और आपस में जो भी है एक समन्वय के चलते हुए आगे भी मिलकर तमाम मीटिंग के बावजूद भी जेएमएम का कैंडिडेट आया, इसके बारे में क्या बात हुई। तो आपने यहाँ पर अविनाश पांडे को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर सारी चीज़ों को क्लियर किया है यहाँ पर कि कोई भी विधायक नाराज़ नहीं है, और जिस तरीके से मीडिया में सारी चीज़ें चल रही हैं कि कांग्रेस नाराज़ चल रहे हैं, ये कहीं से भी सच नहीं है। अभी क्या सच्चाई है और क्या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है वो अपनी नाराज़गी सुबह से ही व्यक्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रभारी ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो नाराज़ नहीं है। कितनी सच्चाई है वो तो समय बताएगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजन।